माई चैनल डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ उसका नाम है मुक्ति गोल्ड हर्बल हेयर शैम्पू। ये आपको इजीली किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो इसका ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए मैं आप सबके सामने हेयर वॉश करने के बाद का वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद आपके हेयर फ्रिजी से नहीं लगेंगे, हेयर रूट से लेकर एंड तक एकदम सिल्की जैसे अदर शैम्पू से लगते हैं वैसे लगेंगे। तो ये है वो शैम्पू मुक्ति गोल्ड हर्बल हेयर वॉश। तो इस पे दिया है, इसमें नमक नहीं है, सॉल्टी नहीं है। ये जो बॉक्स पे दिया है आप अब जब ऑर्डर करोगे तो आप पढ़ सकते हो। मैं इसके जो अंदर की खूबी है मैं उसको बता रही हूँ। बहुत अच्छा शैम्पू है, जिनके बाल छोटे हैं उनके लिए तो और भी अच्छा है, उनको ज़्यादा झाग बनाने की ज़रूरत नहीं है और उनके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी आज के टाइम में ये है कि हर प्रोडक्ट में कोई मतलब इतने सारे केमिकल्स होते हैं, तो आप ढूंढ रहे हो कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो आपके बालों में ज़्यादा केमिकल ना यूज़ हो पाए, बाल आपके अच्छे रहें। तो ये शैम्पू उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। आप देख सकते हो ये फिनिश हो गया है। मैंने इसको कुछ टाइम लगा के छोड़ दिया था क्योंकि मैं एक शैम्पू पे नहीं टिकती, मैं सर्च करती रहती हूँ, रिव्यू करना होता है और भी चीज़ें, मुझे न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करने होते हैं। तो मैंने इसको छोड़ दिया था, मेरी मम्मी ने इसको यूज़ कर डाला, उनको बहुत अच्छा लगा ये शैम्पू और मैं भी इसको बीच बीच में यूज़ करती थी। तो अभी ये थोड़ा सा बचा है बस इधर, और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इसका बॉक्स कुछ ऐसे आता है, पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, अगर आप बाई करना चाहते हो तो आप वहाँ से बाई कर सकते हो। इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अदर शैम्पू की अपेक्षा ये सही है, ठीक ठाक मिल जाता है और इसकी पैकेजिंग अच्छी थी। तो या आप इसको ऑर्डर कर सकते हो अपने हेल्दी हेयर्स के लिए। तो मेरे बाल सूख गए हैं, मैं कॉम करने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो मेरे बाल थोड़े एयर ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद सूखने के बाद दिखाती हूँ कि एक्चुअल में कैसे दिखते हैं। तो अभी तक जितना टच करने पे पता चल रहा है तो ये बहुत सॉफ्ट है, ये शैम्पू बहुत ज़्यादा झाग नहीं देता। तो जो झाग के शौकीन हैं, जिनको अपने बालों में ढेर सारा झाग चाहिए, तो ये शैम्पू उनके लिए उतना असरदार नहीं होगा। अगर आपने बाल में अपने ढेर सारा ऑयल लगाया है, कल की आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा मैंने ढेर सारा ऑयल लगाया था, तो इसने मेरे बालों से ऑयल, जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसको निकाल दिया है। और ये ऑयल और ये शैम्पू बिल्कुल भी केमिकल फ्री है। तो मैं सोचती थी इसमें झाग कहाँ से आते हैं, तो एक इसमें फॉर्मूला होता है आंवला और रीठा सीका काई में से, तो वो जो है बालों में थोड़ा थोड़ा झाग बनाता है जिससे बाल एकदम अच्छे से साफ हो जाते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको इसको घोलना नहीं पड़ेगा, आप इसको हाथेली में लेके थोड़ा सा पानी लेके लगाते रहिए, पानी डालते रहिए और ऐसे ऐसे करके ये थोड़ा थोड़ा झाग बनेगा और क्लीन करेगा। झाग नहीं भी बनेगा तो ये आपके हेयर और स्कैल्प को क्लीन करेगा, तो झाग के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब स्कैल्प का काम हो जाता है, स्कैल्प क्लीन कर लेते हो आप, तो आप अपने हेयर ये इधर भी ऐसे हाथ में लेके या वो जो निकलते हैं उसको ऐसे ऐसे करके साफ़ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये आपके हेयर को, जिनके बालों में हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है ये इसको दूर करता है, ये बालों से एकदम शाइन गायब नहीं कर देता। देख सकते हो आप बालों में अच्छी खासी शाइन है, मैंने कोई सीरम नहीं लगाया है, कंघी भी नहीं किया है अभी, तो भी मेरे बाल इतने अच्छे लग रहे हैं। तो ये बॉटल तो फिनिश हो गई है, तो मैं इसका अगला बॉटल ऑर्डर करने जा रही हूँ क्योंकि ये शैम्पू सच में बहुत अच्छा है। तो मैं कॉम कर रही हूँ और बाल एकदम अच्छे से सुलझ जा रहे हैं। छोटा सा रिव्यू इस प्रोडक्ट पे, अगर आप इसको बाय करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसे वहाँ से बाय कर सकते हो। आप खुद यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो मिलते हैं किसी और रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।